दोस्तों, वैसे तो हिल स्टेशंस में लोग छुट्टियां मनाने और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए जाते हैं। हिल स्टेशंस को सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है, लेकिन आज हम आपको जिस हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, वो हिल स्टेशन इंडिया के सबसे खतरनाक हिल स्टेशंस में से एक है। इस जगह के किस्से कहानी लोगों की रूह तक को डरा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बेहद अमेजिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोलकाता से करीब 587 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के चुनिंदा सबसे खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा कुर्सियांग समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में इस खूबसूरत हिल स्टेशन को बसाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। कुर्सियांग में कई खूबसूरत पहाड़ियां मौजूद हैं और इन्हीं में से एक है डॉ हिल्स। डॉ हिल्स को प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में काफी ज्यादा उन्नत माना जाता है, लेकिन अपनी प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारों के अलावा ये पहाड़ी अपने भूतिया किस्सों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसे कई सारे स्थान मौजूद हैं जहाँ पर असामान्य अनुभव और नेगेटिव एनर्जी का एहसास किया गया है। यह हॉन्टेड हिल स्टेशन दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर कुर्सियांग में स्थित ये हिल स्टेशन भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन माना जाता है। ये पहाड़ी इलाका अपने किस्सों के लिए आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा फेमस है। इस पहाड़ी से कई डरावने किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। दार्जिलिंग घूमने आए सैलानी अक्सर यहाँ पर आते हैं, जिनमें से बहुतों को इस पहाड़ी के अन्य पहलुओं के बारे में नहीं पता होता कि ये सड़क खूबसूरत चाय के बागानों के अलावा भूतों के एहसास, अधकटे सरों और अनगिनत सच्ची भूत प्रेत की कहानियों का घर भी माना जाता है। मौत की ये सड़क अपने पहाड़ी सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही अपने डरावने अनुभव के लिए भी हमेशा चर्चा में रहती है। यहाँ पर एक खतरनाक सड़क है जिसे मौत की सड़क का नाम भी दिया गया है। ये सड़क डॉ हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच में बताई जाती है। कहा जाता है कि ये सड़क जहाँ से होकर गुजरती है, वहीं से अक्सर गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में आते हैं। स्थानीय लड़कों का मानना है कि यहाँ पर उन्होंने सर कटे लड़के को चलते हुए देखा है। यहाँ पर सर कटे हुए लड़के के चलने के कई किस्से दर्ज हैं और यहाँ पर मौजूद बहुत से लोग बताते हैं कि ये सर कटा भूत अचानक किसी का भी पीछा करने लगता है। लोगों ने कई डरावनी बातों का जिक्र यहाँ पर अपनी आपबीती पर किया है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया है कि यहाँ पर मौजूद बुरी शक्ति अपनी लाल आंखों से लोगों को घूरती है। इसके अलावा भी लोगों ने यहाँ पर कई सारी बुरी आत्माओं के होने का खुलासा किया है। लोगों का मानना है कि एक डरावनी महिला यहाँ पर शाम के समय के बाद लोगों को इस सड़कों पर नजर आती है। ये सड़क लोगों को बहुत ही डरावने एक्सपीरियंस कराती है। लोगों का मानना है कि इस जंगल की हवा ही डरावनी है। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल के कुछ हिस्से श्रापित हैं, जिसकी वजह से जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है, वो वहाँ पर अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है। जानकारों का मानना है कि कई बार इंसान अपना आपा खोकर स्वयं को मारने की भी कोशिश करता है। इसी वजह से स्थानीय लोग पर्यटकों को इन घने जंगलों में जाने से रोकते हैं। डॉ हिल्स में मौजूद भूतिया स्कूल पहाड़ी के चुनिंदा भूतिया इलाकों में गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि इस स्थान के आसपास कई अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, जिनकी बुरी शक्तियों का प्रभाव इस स्कूल पर भी है। सर्दियों के दौरान ये स्कूल बंद रहता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्कूल से उस समय चीखने चिल्लाने की आवाजें ज्यादा आती हैं जब ये स्कूल बंद रहता है। दिसंबर से मार्च तक का समय इस स्कूल को काफी ज्यादा डरावना बना देता है। वैसे हम आपको बता दें कि कुर्सियांग एक बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन इसके डरावने पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे अगर आप इस हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो आप इसके भूतिया इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर घूम सकते हैं, जहां पर ये हिल स्टेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।